फंडामेंटल लेवल पे बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है ये क्लास। पीस क्लास है, ठीक है। और अगर आप देखें तो पीस के साथ एक दूसरी एक छोटी सी क्लास है जिसका नाम है पोजिशन, ठीक है। पोजिशन में उसका रो होता है और फॉर्म होता है, ठीक है। ह्यूमन डायग्राम है ना, बेबल नाम लेके कॉल लेके पिटाई, और इसको हम अगर स्ट्रक्ट बनाना तो पब्लिक हो जाएगा, और अगर ये प्राइवेट नंबर बनाना चाहते हैं तो अफकोर्स इसके गटर सेक्टर आ जाएंगे जो कि मैं नहीं देखा, ठीक है। ये बात सुनना है इसलिए तो ये आ जाएगा। सो डू यू ऑल अग्री कि अच्छा भैया दैट पीस जो है उसकी हर पीस की प्रॉपर्टी है क्या क्या प्रॉपर्टी का मतलब है कि वो चीज जो कि इसके अंदर ऐसे प्रॉपर्टी है, कलर होता है या तो बिहेवियर है, वो इस तरह बिहेव करता है। एक बूल टाइप को बनाएंगे सर, वो कलर के लिए बूल टाइप बनाएंगे, शेप कैसी है मतलब या तो ड्रा करेगा तो उसे पता लगेगा ना, वो ड्रा वो फंक्शनैलिटी है कि वो शेप कैसी है, एक्चुअली वो एक ड्राइंग है, समझ गए सर। वो उसका बिहेवियर है, वो अपने आप को ड्रा करता है, वो एक अलग बात। बनाते बेसिकली मैंने किसी क्लास में भी बताया था, मैं आपको बता रहा हूँ ये पता होना चाहिए तुम्हें। आई डोंट नो, आप मैंने क्लास में पहले मैंने बात की थी, नहीं बात की थी कि देयर इज समथिंग कॉल्ड इनम, इनम में एक तरीका है डेटा टाइप बनाने का। यार पास कर दिया, इनम एक तरीका है डेटा टाइप बनाने का। जैसे एक इनम आप पहले यूज कर रहे हैं, आपको पता नहीं है इनम, वो ये है इनम मूल नाम है फॉल्स और ये ट्रू। समझ रहे हो क्या? ये मैंने एक डेटा टाइप बनाई इसका नाम है बूल, उसकी जो वैल्यू है वो या फॉल्स होती है या ट्रू। अब आप वेरिएबल आप चाहे उसका नाम का वेरिएबल बना सकते हैं जिसको इन दोनों में से कोई एक वैल्यू चाहे, बस नहीं बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है जीरो और इसकी वैल्यू होती है एक आगे। सर इसमें बाय डिफॉल्ट वेरिएबल को कौन सी वैल्यू फॉल्स मिलती है क्या? By default, जो वो तो randomly मिलेगी, वो तो junk हो। लेकिन जब आप एक वेरिएबल बना के उसको false लिखते हैं तो basically backend वो zero रखता है। और इस तरह ये true होता है, ठीक है? मैं आपको एक और example देता हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे एक enum बना सकते हैं जिसका नाम है for example month। और ये देखें जी, मैं यहाँ लिखता हूँ January, February, March, करते 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 यहाँ पे हो जाएगी December। अब जनवरी का मतलब है यहाँ पे जीरो, तो अगर मैं किसी को वैल्यू कर दूँ वन तो क्या है इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, इससे आगे वाले जितने भी हैं उनकी। अगर मैं इसको टेन कर दूँ तो ये टेन हो जाएगा, इलेवन हो जाएगा, ट्वेल्व हो जाएगा। अगर मैं इसको टेन कर दूँ, इसको ट्वेंटी कर दूँ, बाकी भी छोड़ दूँ तो क्या हो जाएंगे 21, 22, 23। बाकी इस तरह से आप चाहें तो ये इनम बना सकते, ठीक है। तो बेसिकली हम एक काम करते हैं, इनम बना लेते हैं, इसे नाम रख देते हैं चेस्ट कलर। चेस्ट कलर बेटा मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कलर का इनम मेरे ख्याल में पहले ही एक वीडियो स्टूडियो में होता है तो वो हम उसे क्लैश करते हैं। तो या कलर लिख दो सारे बड़े लिख दो, ठीक है। तो इसमें एक हो जाएगा वाइट और एक हो जाएगा ब्लैक, क्या बात सही है। हो सकता है ब्लैक और वाइट पहले ही ग्लोबली डिफाइंड हो तो वैसे इसको सी वाइट कर देना, सी ब्लैक कर देना, अगर इस तरह कह रहा हो, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं,
मेरा भी ख्याल है कि और कुछ नहीं होता, शायद आए लेकिन बाद में। अच्छा, हर पीस से एक 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 प्रॉपर्टी जो तुम्हें पता है फॉर्म में आनी है लेकिन मैं बाद में बताऊँ। अच्छा, अब इसकी ना फंक्शन की बात, तो फंक्शन भी कुछ होंगे बाहर के, कुछ फंक्शन ऐसे होंगे जो कि यहाँ पर डिफाइन नहीं हो सकते, मिडिल लेवल पर आकर डिफाइन, जिनके जिसकी वजह से ये प्योर वर्चुअल यानी कि वेस्टर्न क्लास बन जाएगी। इसमें एक जो बड़ा मशहूर फंक्शन है वो है इज लीगल मूव। हां जी, इज लीगल मूव क्या पास सर, उसकी ग्रैंड दो कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, ग्रैंड दो पोजीशन, यहां से मैंने यहां जाना है, ये मतलब है। अच्छा, बाय द वे, डोंट फॉरगेट वन थिंग, वो ये जो इज लीगल मूव है इसके अंदर पहले ही अपनी पोजीशन पड़ी हुई है ना। यस सर, तो व्हाट वी शुड डू इज बाय टू होल्ड, उसको एक ही पोजीशन पे और वो भी जहाँ वो जाना चाह रहा है डेस्टिनेशन पे। ये बात सुना सर, बेसिकली आउट ऑफ बाउंड हो गया, वो हम चेक कर लेंगे, वो सारा कुछ चेक करना चेक, ठीक है, बेसिकली वो हम उससे पहले ही चेक करते हैं, वो बोर्ड जब बोर्ड में जाएगा वहाँ पर चेक करेंगे। सर ये तो स्टार्टिंग में होगा, जब हम दरमियान में मूव करेंगे उसको, हाँ, तो उसकी इनिशियल पोजिशन कुछ और होगी और फाइनल पोजिशन कुछ और होगी, तो पोजिशन हम सारा चेक करते रहेंगे ना, जहाँ जहाँ जाता जाएगा करते जाएंगे। तो इस लीगल मूव है, इसको पोजीशन पास होती है क्या, एंड स्टार्ट नहीं भेजी, क्यों नहीं भेजी, क्योंकि वो जिस वो उसके पास पहली है जो लोकेशन उसके अंदर एट्रीब्यूट है उसकी स्टार्टिंग पोजीशन है, ठीक है, ये बात समझ। अच्छा, मैं एक छोटी सी एक छोटा सा नोट बता दूं, मुझे याद कराना कि इसके ऊपर मैंने एक बात करी इसके ऊपर एरो लेना, ये मुझे आपने याद करना, ठीक है, ठीक है। इस तरह इस लीगल मूव भी है, एक और बना लेते हैं आपका मूव, मूव को ना बेसिकली अगेन पोजीशन ई मिलती है। ये मैंने क्यों पास किया, बेसिकली पास किया बिकॉज ये बेसिकली करता क्या है, ये बोर्ड पे अपने आप को यहाँ से यहाँ मूव करता है। मूव करने का मतलब बेसिकली क्या है, बेसिकली वो करेगा यह कि अपने आप को वहाँ से वहाँ मूव कर देगा, अपने जो इंटरनल पोजिशन है वो चेंज करेगा। उसके बाद ये बोर्ड को दोबारा से डिस्प्ले करने का कहेगा कि जहाँ पर मैं पहले था वहाँ पे एम्प्टी रखवा दे, और जहाँ पर मैं जा रहा हूँ वहाँ पर मेरा जो भी मेरी ड्राइंग बनती है वो ड्रॉ कर दे। तो जहाँ पे हम मूव कर रहे हैं अगर वहाँ पे एक मतलब कि पीस पड़ा हुआ है, हाँ, तो वो भी हम वो बताते हैं। अगर वो वाइट ही है मतलब सेम कलर है बाद में बताते थोड़ा सा इसको मैं विचुअल बना रहा हूँ, ना सिर्फ ये विचुअल बना रहा हूँ उसके बाद इसको भी मैंने विचुअल बना रहा हूँ, इसको भी मैंने विचुअल बना रहा हूँ, बल्कि प्योर विचुअल बना रहा है, इसको भी मैंने प्योर विचुअल बना रहा है। क्यों प्योर विचुअल और विचुअल में क्या फर्क है? प्योर विचुअल का मतलब ये है कि ये आप चाहें इसकी डेफिनेशन यहाँ कर सकते हैं, मैं हमेशा और नीचे वाले का रिस्ट्रिक्शन है कि आप उसको डिफाइन करें ही रहेगा, वरना वो भी एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, ये हो गया वॉइड, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ, आई थिंक और पता नहीं फंक्शन आने या नहीं आने, मैं भी ऐसे छोड़ देता हूँ। अच्छा, एक लिस्ट ऑफ क्लासेस है जो कि इससे इनहेरिट होगी, कौन एक मिनट कौन की क्लास है, रुक की क्लास है, नाइट की क्लास है,
बिशप की क्लास है, किंग की क्लास है और क्वीन की क्लास है, ठीक है? सुबह सुना, ठीक है? अच्छा, मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये जो मेरे फंक्शन मेरी क्लास में इनमें से कोई ऐसी क्लास है जिसमें मजीद एट्रीब्यूट्स ऐड होने, ऐसी क्लास है जिसमें कोई मजीद एट्रीब्यूट ऐड होना हो, नहीं वो ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि उसी में होगा बाकी में नहीं होगा, एंड द आंसर इज यस। कौन सा होगा वो बताना, कौन किसको किल करता है, ये कौन में हो, कौन किसको किल करता है, मतलब क्या सब सबको कर दिया सकते हैं, एक खास एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट की बात करो, बिहेवियर तो बेटा हर एक का है डिफरेंट, ये भी मूवमेंट होना, मूवमेंट इज अ बिहेवियर, मूवमेंट इज अ फंक्शनैलिटी, ठीक है? मैं कह रहा हूँ कोई ऐसी चीज है जो कि इनमें कुछ कुछ ऐसी क्लास है जिसमें कुछ और एट्रीब्यूट्स ऐड होने, बताए सोचे, हाँ जी लोकेशन कहाँ, लोकेशन तो पहले ही है, जी फॉर्म में क्या हो सर, जब वो बोर्ड के एंड तक पहुंचेगा तो उसमें एक क्लियर एट्रीब्यूट भाई नाइट वो चाहिए हो सर, वो बिशप में भी मान सकते हैं नाइट, तो नया पीस बना देंगे हम, उसको मसला नहीं सर, टोटल कितने वो जिसमें कन्वर्ट होगा उसका नया पीस बना देंगे, वो तो मसला नहीं, नाइट के अंदर एक अवेलेबल ही नहीं, क्या दे आठ पीसेस होते हैं नाइट के, क्या सर हर एक के चार चार होते हैं, कौन सी बात है सर, नाइट के आठ होते हैं मतलब कि आगे पूरी रो उसकी गाने में है, कौन होते हैं यार, क्या होते हैं वो, तो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स तो एक अलग बात है, ऑब्जेक्ट्स एक अलग बात, मैं अपना बात सुने, मैं एक इंडिविजुअल पीस की बात कर रहा हूँ, तुम दोबारा से कहना शुरू हो गया कि भाई इनमें से इसकी अलग अरे होनी है, वो तो बोर्ड में आनी है, बेसिकली एक और क्लास बननी है जिसका नाम है बोर्ड, चेस बोर्ड कह लें जो मर्जी कह लें, चेस बोर्ड बेसिकली ये जो पीसेज है ना ये सारे के सारे इसके अंदर क्या होंगे, और उनकी बेसिकली 8x8 की अरे हो, ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है, है ना, तो बेसिकली ये सारे के सारे जो हमारे हैं ये बेसिकली इसके अंदर कंपोज है, और कितने कंपोज है 64 कंपोज, ये बात है, तो बेसिकली ये 64 इंस्टेंसेस इस एक में है, ये बात है, ठीक है ना, डज इट मेक सेंस, 64 तो नहीं आ रहे सो 16 बाकी एम्प्टी होगा, तो 64 नहीं होना चाहिए 16 होगा, ठीक है, क्रिएट भी हाँ कंपोज से मतलब है ये, ठीक है, बाद में आप चाहे तो प्लेयर की भी क्लास बना सकते हैं, इसमें क्या हुआ यार ये बना, ठीक है, प्लेयर की क्लास होगी, प्लेयर की क्लास में आप चाहें तो इसका स्ट्रिंग नेम रख सकते हैं, ठीक है, करंट कोडर आप चाहें तो उसका कलर भी रख सकते हैं, कलर टाइप का सी रख लें, कलर होगा उसका, ठीक है, और क्या करना है, और स्कोर, स्कोर आप चाहें तो स्कोर भी रख सकते हैं, स्कोर का मतलब कितना वो खेला है, कितना वो ड्रॉ हुई है, कितना ये हुई है, सिर्फ एक और होता है कि टाइम वगैरह, वो टाइम क्या टाइम बेस्ड, यस सर, क्या बोलो मेरे टाइम बेस के टाइम अगर गाने पे एक मूव के बाद टाइम वो इधर तो नहीं होना चाहिए, वो तो अब चेस बोर्ड ही बचा, चेस बोर्ड की कि भाई ये गेम ओवर हो गया, ठीक है ना, एवरीबॉडी विद मी, ठीक है, प्लेयर में होना चाहिए, क्योंकि मेरा सॉरी पीस में सॉरी नहीं है, पीस में होना चाहिए, हर पीस का कलर वो तो प्लेयर के टर्न से डिफाइन कर लेंगे ना, तो सब पता कैसे चलेगा कि मैंने इस पीस को टच किया है वो मेरा पीस है या नहीं, अच्छा ये आपने अलग क्लास बनानी बना दे,
मैं फिलहाल बड़ा सिंपल सा मॉडल बना रहा हूँ जिसमें बेसिकली मैं यहाँ पर एक टर्न का एट्रीब्यूट अब टर्न की वैल्यू 0 का मतलब प्लेयर 1 की बारी है टर्न की वैल्यू 1 का मतलब क्या है और साथ हम एक और काम कर लेते हैं एक और सीज की अरे बना लेते हैं दो साइज की जो कि स्टैंडर्ड टाइप की होगी कलर टाइप जो मैंने यहाँ बनाया यार कलर टाइप जिसके अंदर ये लिखा हुआ व्हाइट एंड ब्लैक ठीक है और गौर से देखो तो बेसिकली क्या है सीज के टर्न के ऊपर क्या पड़ा हुआ टर्न की वैल्यू 0 है तो सीज के टर्न पे क्या पड़ा व्हाइट और टर्न की वैल्यू 1 है तो सीज के टर्न पे क्या पड़ा ब्लैक तो बेसिकली दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट एक काम यहां कर लेते हैं पीस के अंदर ना एक फंक्शन बनाते हैं गेट कलर ठीक है और गेट कलर इसका कलर डन करेगा इसका कलर और इसका कलर मैच कर मैच जिस पीस को सिलेक्ट कर रहे हैं उसका कलर और इसका कलर दोनों मैच करते हैं ये मैच करे मतलब मैंने अपना पीस सिलेक्ट किया ये बात नहीं बड़ों समझ आ गया शाबाश क्या पैटर्न ये सारे मेंबर पैटर्न ठीक है ठीक है अच्छा मजे की बात मैंने सवाल हमसे किया कि कितने लोगों ने चेस खेली नहीं आती उन्होंने खेले खेले वे देखी भी नहीं तो पता रब ने आपको रूल वगैरह पता है ना कि कैसे पीस वगैरह वो करते हैं नहीं पता तो बड़ी बात नहीं है हर एक देख लेंगे गूगल वगैरह देख लेंगे किसी की किस तरह की है ठीक है आई एम नॉट आस्किंग कि मैं बड़ा प्रोफेशनल हूँ या मैं कह रहा हूँ आपने पता है गेम वो कैसे ये तो पता है कि 8x8 का बॉक्स होता है आपको ये भी पता है कि वो उसमें 8 प्लेयर्स के 8 पीस के होते हैं 8 पीस होते हैं किसको ये नहीं पता उसमें ना अगर आपको याद हो तो जो है ना चेस में ना एक मूव होती है कहते हैं कासले तो होता क्या है कि जो किंग और रुक जो है ना वो अपनी पोजीशन बदलते हैं और वो सिर्फ तभी बदल सकते हैं अगर ना किंग मूव हो ना रुक कभी ना हुआ तो उस सेंस में ना वैसे उसकी मूवमेंट होती है ये बस नहीं तो बेसिकली हमें काम करते हैं हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम बेसिकली यहाँ पे मूव एट्रीब्यूट रख देंगे इसका नाम होगा एम आई मूव ठीक है एम आई मूव का मतलब क्या है मैं कभी मूव तो नहीं किया और मूव फंक्शन जिसका हम दोबारा रीडिफाइन करेंगे ना उसमें हम करेंगे क्या ये वो मूव वो तो बोला मूव तो करेगा अगर साथ करेगा अगर मैं मूव हो गया हूँ ठीक है और इसी तरह बेसिकली पॉन के अंदर भी एट्रीब्यूट होगा क्यों ये पॉन की जो पहली मूव होती है ना वो स्पेशल होती है यस सर वो तो पहली दफा चाहे तो दो भी मूव चल सकता है और वन भी चल सकता है तो यही ये तीन दफा की एट्रीब्यूट नेम इनके अंदर आएगा बस नहीं दैट्स व्हाई दे आर इनके अंदर एट्रीब्यूट ऐड ये बस ना एवरीबॉडी अंडरस्टैंड एंड नाउ लुक एट अच्छा अच्छा सो फार सो गुड यस अच्छा अब मैं आपको मजीद बताऊं वो ये है कि बेसिकली इसके अंदर एक ड्रॉ का जो फंक्शन बनता है उसको मैंने यहाँ डिफाइन नहीं किया ठीक है आप चाहें तो ऑन
पास से यार एक दफा करना था यार तीन दो रन 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 दो हो गया हो गया एक दफा अच्छा बेसिकली ये जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ ना जो कि काफ़ी मजे वाली तस्वीर है इधर ये काफ़ी बच्चों ने जो हमारे आरटीसी के बच्चे थे ना उन्होंने ये काम किया था कि बेसिकली इन्होंने क्या किया ये रेड ब्लैक नहीं उन्होंने पीस लगाया ना उस एक कलर इसका यूज़ किया ये इस तरह से ड्रॉ किया और बेसिकली इन्होंने किया कि ये पीसेस ग्रिड बनाया और ग्रिड बड़े मजेदार तरीके से बनाया जा सकता है आप चाहें तो ग्राफिक्स डॉट इस लकड़ी यूज कर सकते हैं कि वो वाइट ब्लैक फिल रेक्टेंगल से शुरू करें ठीक है और बेसिकली आप चाहें तो शेप्स भी ड्रॉ और हर पीस को अपनी ड्राइंग करनी पड़ेगी ये बात समझे क्या मतलब जो पॉन होगा वो अपनी ड्राइंग करेगा आपको हर एक के अपने अपने ड्रॉ फंक्शन देख पाएंगे ठीक है तो आप चाहें तो और उनके डिफरेंट सिम्बल्स मैं कर सकते हैं जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि ये एक आपके सामने थिंकिंग मशीन चेस ये देखिए ये मैं आपको दिखाता हूँ ये बेसिकली ना एक ऑनलाइन एक बड़ा ज़बरदस्त है इन्होंने बेसिकली क्या किया कि ना आपने ना ये विशन इसका ये एक बहुत मशहूर तजुर्बे वाले ह्यूमन चेस प्लेयर है जो ऑनलाइन है जिसको आप कोई हार नहीं सका ठीक है तो बड़ा कमाल कमाल हर किसी को डिफरेंट डिफरेंट साइन करनी है तो ये सर्कल ड्रॉ करना है सर्कल ड्रॉ करना आपको आता है फिर सर्कल भी ड्रॉ करना आता है आपको आप वो यूज कर सकते ठीक है तो बेसिकली उसने हर एक को डिफरेंट डिफरेंट शेप देती है आप डिफरेंट कलर के भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं तो इसको व्हाइट कलर कर दें और उसको ब्लैक कलर कर दें और डी ड्रॉ ड्रॉ कर दें ठीक है तो बेसिकली करना क्या है कि हम क्या करेंगे कि हाँ हमने करना क्या है हम करेंगे ये कि इनके हर एक को डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं और शेप आपको ड्रॉ कर सकते हैं बाय यूजिंग ग्राफिक्स डॉट एक्स लाइब्रेरी ठीक है ना और बेसिकली ये अलग है ये अलग आज जब मैं आपके मतलब बताता हूँ ये जो कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन है ये जो चलता है कैसे मैडम बढ़िया है और ये वगैरह पूरी की पूरी दिखाता है कि वो कैसे थिंकिंग कर रहा है ये मैंने नाइट उठाया नाइट की ना एल मूवमेंट यहाँ से मैं उठा के यहाँ क्या कर रहा है सोच रहा है मुझे कौन सी मूव चल रही है ठीक है ये देखो मैं इसको ना यहाँ से यहाँ मारता हूँ क्या कोई ना आ जाएगी सर कोई ना आ जाएगी उसने मुझे पकड़ा इनविटेशन दिया मार के दिखा क्यों बोला उसने कहा अगर तो और वो मारोगे तो तुम्हें उसके पीछे डिफेंडर रखा है ठीक है खैर ये कंप्यूटर साइंस की पूरी बड़ी मजेदार ब्रांच है जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये और उसमें बेसिकली ये उन्होंने दे आर वेरी ब्यूटीफुल एल्गोरिथम्स बिहाइंड देयर दीस आइडियाज कि कैसे हम ये चीज़ें बना सकते हैं बात सुन रहे ठीक है अच्छा तो आप चाहें तो इस तरह की शेप के साथ भी काम कर सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स ने ये काम किया था ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये आप इस तरह भी काम करना चाहें कर सकते हैं ठीक है ना ये कैसे ड्रॉ करनी है ये भी आप थोड़ी दीजिएगा मैं आपको बता दूँगा कैसे 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 आप ये ड्रॉइंग कर सकते हैं ठीक है अच्छा अभी मैं ऐसे करता हूँ अच्छा अब मजे की बात वो ये
बेसिकली हमने करना क्या है कि जो हमारे फंक्शन स्टार्ट कैसे करते हैं, हम बेसिकली क्या करेंगे, जो हमारे अंडरलाइन फंक्शन होंगे ना यहाँ पर क्लास, इन सब में बेसिकली मुझे ये फंक्शन डिफाइन करना है, इस लीगल मूव डिफाइन करना पड़ेगा, ड्रॉ फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, ड्रॉ क्यों डिफाइन करना पड़ेगा, बिकॉज हर केस की ड्रॉइंग मतलब ठीक है, बाकी मूव जो है वो हर एक का एक जैसा ही है, यहाँ से उठ के यहाँ से यहाँ पे जाना है, बेसिकली मूव को हम इसी में डिफाइन करते हैं ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा स्टार्टिंग पोजीशन है उसको एम्प्टी कर देना है, व्हिच मींस उस ब्लॉक को दोबारा से रीड्रॉ करना है, सर मूव का सारों का एक जैसा ही है, मूव ने क्या करना है, होना ही है, इस पीस को उठाना है, उठा के यहाँ से यहाँ रखना है, तो बेसिकली जहाँ से इसको उठा के रखना है उस पीस को दोबारा रीड्रॉ कर दो, तो वो जो ब्लॉक होगा व्हाइट है या ब्लैक उसको रीड्रॉ मारोगे तो जो पुराना जो कुछ लिखा हुआ उसके ऊपर वो सारा सारा रिप्लेस हो जाएगा, और जो यहाँ पर है यहाँ पर वही दोबारा रिप्लेस दोबारा रीड्रॉ करना, और वहाँ पर क्या कर देना, वहाँ पर जो नई वाली शेप है उसका ड्रॉ कॉल कर देना, वो उसको वहाँ पर रीड्रॉ कर देना, बस मैं ठीक है ऑल राइट। तो बेसिकली अब हमने क्या करना है, हम ये ड्राइंग वाला काम तो बाद में करेंगे ठीक है, फिर हम थोड़ा सा गेम चला के हम बोर्ड के अंदर बेसिकली बेटा क्या होगा, एक फंक्शन है जिसका नाम इनिट है ठीक है, जो कंस्ट्रक्टर से कॉल हुआ, और बेसिकली आप चाहें जो ग्रिड प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, ग्रिड प्रिंट का मतलब क्या है, वो 8x8 बॉक्स का ग्रिड प्रिंट करेगा ठीक है ना, तो फॉर एग्जाम्पल आप एक ग्राफिक्स विंडो बनाते हैं जो 500x500 की होती है, और उसको आप 500x500 से 400x400 करें, तो 400x400 की अगर हम बात करें तो 400x400 अगर मैंने पूरी 400x400 की स्क्रीन बनानी हो, ये देखें अगर 400x400 की स्क्रीन को मैं चाहता हूँ कि वो दिखाए कि वो 8 और वो लेट्स से वो 450x450 की, और मैं चाहता क्या हूँ कि 450x450 की पूरी स्क्रीन पे मैं चेस नहीं दिखाना चाहता, मैं उसमें से जो 400x400 है ना उस पर चेस दिखाना चाहता हूँ, ये मैं रीजन इसलिए छुड़वा रहा हूँ क्योंकि मेरे कोई मैसेजेस वगैरह करने पड़ सकते हैं ना, तो मैं वहाँ पर उसके लिए छुड़वा रहा हूँ, तो अब मैं जैसे कहूँगा मैंने 8x8 का बॉक्स बनाना है, तो बेसिकली मैं दो वेरिएबल बनाता हूँ, एक है आर डिम और एक है सी डिम, तो वो क्या होगा आर डिम हो जाएगा 400x8 और ये हो जाएगा 400x8, ये मैंने क्यों किया, ये मुझे पता लग गया कि मेरे एक बॉक्स की डायमेंशन है ना, तो बेसिकली कैन यू टेल मी कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये होगा 0 0 से शुरू होगा और ये कहां तक जाएगा, ये आर डिम और सी डिम तक जाएगा, अगला वाला बॉक्स कहां से कहां तक शुरू होगा, आर डिम नहीं 0 0 वही रहेगा और जो सी डिम है वो सी डिम हो जाएगा, और यहां ये कहां तक जाएगा, ये एग्जैक्टली वही रहेगा आर डिम ही रहेगा, और यहाँ पे बेटा क्या हो रहेगा, ये हो रहेगा सी डिम 2x50 एंड सो ऑन सो फॉर्थ, तो एक्चुअली इस तरह से पूरी पूरी ग्रेडिंग बन जाएगी, सर नीचे को कैसे वो शो करवाएगा, क्या ये नीचे मतलब के वर्टिकल क्या वर्टिकली वो कैसे शो करवाएगी, यहाँ पे 0 0 है वहां से फिर आर डिम और सी, तो वो तुम्हें पूरे से कलर वगैरह से सेट करना पड़ेगा, बेसिकली कलर सेट करना कोई मुश्किल काम नहीं, बेसिकली अगर मैं कह दूं कि ये मेरा ब्लैक है ये मेरा वाइट है ये मेरा ब्लैक है ये मेरा वाइट है, इसके नीचे क्या होगा, ये वाइट होता है ये ब्लैक होता है ठीक है ना, तो बेसिकली अगर आप देखो तो ये क्या है 0 0 है, ये 0 1 है, ये क्या है 0 2 है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ, तो बेसिकली स्किप अगर कलर देखना हो तो कलर इज वेरी वेरी सिंपल, आप आई प्लस जे करें चेक करें वो इवन है ऑड, इवन ऑड अगर इवन है तो बेसिकली वो ब्लैक है और अगर वो ऑड है तो वो वाइट है, ठीक है, तो यू कैन इजीली मेक दैट ठीक है। By the way, मैंने एक पूरा लेक्चर है जिसमें पूरी पूरी स्क्रिप्ट डिफाइन की है, नॉट यूजिंग graphics.dash बट यूजिंग खुद हमने ड्रॉ किया हुआ है, पूरा ग्रिड भी खुद ड्राइंग करके बनाया हुआ है, प्रिंट बॉक्स का पूरा पूरा फंक्शन लिखा है, आपको आप इधर वो देख लें तो आप graphics.dash पर लाइब्रेरी यूज करते हो आपको मसला ही नहीं होगा, मैं वो शेयर करता हूँ ठीक है, तो बेसिकली आप चाहें तो ये पूरा ग्रिड बना सकते हैं, उस ग्रिड के ऊपर आप चाहें तो किस वो सीन भी खुद ड्रा कर सकते हैं, अच्छा एक मजेदार बात, वो हमारी दूसरी जो क्लास है उसमें जैन लड़के ने मुझे नंबर बात बताई कि
ओके तो बात ये है कि वो जो हमारी ग्राफिक कार्ड लकड़ी है ना, उसमें एक उसने बताया कि एक फंक्शन है जो कि ना इमेज लोड करके जाता है। सो व्हाट यू कैन एक्चुअली डू इज के एग्जैक्ट ऐसी पीएनजी लें जिसके डायमेंशन इसके बराबर हो, ठीक है, बना के और एग्जैक्टली उसी इमेज को यहाँ पर लोड करके। अच्छा, आप जो लोड कर लगा लोगे तुम उसकी ड्राॅइंग का फंक्शन हो जाएगा। तो बेसिकली आपने बैक एंड पर क्या रखा होगा, पीस के अंदर बेसिकली आपने एक रखी होगी एक स्ट्रिंग, इसका नाम होगा फाइल नेम, हां कि इस पीस का ड्राइंग की फाइल नेम क्या, इस पीस की ड्राइंग नंबर क्या है ना। सो और ड्रॉ क्या करेगा, ड्रॉ कुछ भी नहीं करेगा, बेसिकली उसे करना क्या है, उसने फाइल उठानी है, इमेज को वहां पे यहां दिखा देना, पेस्ट भी दिखा देना। अब मुझे हर एक के अंदर ड्रॉ लिखने की जरूरत है, ठीक है, इसमें फायदा क्या होगा, हर सबकी इंप्लीमेंटेशन सेम होगी ना, तो मुझे ड्रॉ यहाँ पर एक लिखना पड़ेगा जो कि इमेज को यहाँ से लोड कर लेगा और वो जाके यहाँ पे बोर्ड की इमेज को भी लोड किया जा सकता है, लेकिन आपने ना उसको मेरे ख्याल में उसको बोर्ड उसको खुद इसलिए करें क्योंकि वो इमेज लोड करके दिखा भी दे तो वो दोबारा तुम अगर रीड्रॉ करोगे तो वो जंक कर नहीं कर सकता। खैर बोर्ड में यू हैव टू ऑप्शंस, अगर इमेज लोड करके कामयाब हो तो ठीक है, वरना फिर तुम ये करो। थैंक यू वेरी मच, बैठे ठीक है, ऑल राइट, शुक्रिया। अच्छा अब जो काम मजेदार शुरू होगा, मैं ना सबसे पहले इनिट फंक्शन लिखता हूँ। इनिट फंक्शन में बेसिकली करना क्या है, अच्छा बात करें कि जो आर डेम मैंने बताया आपको, मैंने कहा लिखा था पेस्ट कर दिया आर डेम बनाया था, यस बेसिकली यू कैन सेट पैरामीटर्स हियर कि हमारी जो इनिट विंडो है उसका साइज कितना है। सो ये रो हो जाएगा और ये कॉलम हो जाएगा और आर डेम हो जाएगा और यहाँ पे सी डेम हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमारी पूरी स्क्रीन की विंडो कितनी है, उसमें से जो आर डेम जो हमारा बॉक्स बन रहा है उसकी विंडो, ठीक है, यू कैन एक्चुअली हैव एट्रीब्यूट्स जो कि यहाँ इस इसी के, ठीक है। और अब एक काम करते हैं, और काम ये है कि मैं वो इनिट का फंक्शन देता हूँ, ठीक है। इनिट ने बेसिकली क्या करना है, इस बोर्ड को इनिशियलाइज करना है, ठीक है, ये ड्रॉ नहीं करना। अब मैं इनिशियलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, इनिशियलाइजेशन में बेसिकली क्या होता है बेटा, ये आपका 8x8 का बोर्ड होता है, इसमें बेसिकली यहाँ पर पड़ा होता है रुख, यहाँ पर भी रुख पड़ा होता है वाइट का, यहाँ पे क्या पड़ा होता है, यहाँ पे नाइट होता है, मैं एन लिख देता हूँ, और यहाँ पे बिशप होता है, यहाँ पे किंग होता है, यहाँ पे क्वीन होती है, और यहाँ सारे के सारे पॉन होते हैं, ये सारे के सारे वाइट वाले हैं, ठीक है, या यहाँ पर ब्लैक होते हैं, और यहाँ पर एग्जैक्टली इसका रेप्लिका होता है बट विद हमें आपको ये नहीं दिखाना, हमें बेसिकली पैटर्न में क्या दिखाना है, हमने आप शेयर, ठीक है। अच्छा अब हम करेंगे क्या, हम करेंगे कि मैं बोर्ड का इनिट फंक्शन लिखा, बोर्ड कॉलन कॉलन इनिट फंक्शन, ठीक है। अच्छा इनिट फंक्शन, और बाद में ये इनिट फंक्शन कहाँ से कॉल होगा, ये कंस्ट्रक्टर से कॉल होगा, कौन से कंस्ट्रक्टर से, ये बोर्ड चेस बोर्ड के कंस्ट्रक्टर से कॉल होगा, ठीक है। तो चेस बोर्ड आते सारी क्या करता है, पहले ये इसको बोर्ड कॉल। अच्छा इसमें अगर देखें तो मैंने क्या बनाया हुआ है, इधर देखिए मैंने बोर्ड 8x8 का बनाया हुआ है जिसके अंदर हर एक एक पीस है, पीस का भी वैल्यू क्या है, पॉइंटर, और जो पीस का पॉइंटर है वो पेरेंट है इन सब। तो बेसिकली आई कैन असाइन ए पेरेंट पॉइंटर यानी पीस पॉइंटर टू एनी ऑफ इट, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई विल गोइंग टू डू। मैं पहले एक काम करता हूं, एक दो एक फॉर लूप लगाता हूं, फॉर आर इज इक्वल टू 2 से शुरू करता हूं, आर इज लेस देन 5 और इक्वल टू 5 तक जाता हूं, और आर प्लस प्लस, फॉर सी इज इक्वल टू 0 सी इज लेस देन 8 सी प्लस प्लस, और यहाँ पे बोर्ड की आर और सी पोजीशन पे जाके सबसे पहले मैं नल मिट गया। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि जो ये रीजन होता है ये खाली होता है, खाली का मतलब क्या, बेसिकली मैं सारे पॉइंटर्स को असाइन कर दूंगा कि वो मेरा क्या है नल, ठीक है, ये बात समझ आ गई, और नहीं ये समझ में आ गई मैंने क्या किया। अब मैंने इनिशियलाइजेशन कर दी इन सब, तो मैं कैसे करूँगा, इन दोनों लूप्स के बाद जाके लिखूंगा पी 0 0 एक पॉइंटर है ना, इसको जाके मैं साइन करूंगा न्यू क्या
न्यू रुक है ना, तो यहाँ पे रुक आ जाएगा और रुक में मैं सारे वो पैरामीटर भेजूंगा जो उसके कंस्ट्रक्टर को रिक्वायर है। सो बेसिकली इसमें मुझे इसके उसका उसकी लोकेशन भेजनी पड़ेगी, उसका कलर भेजना पड़ेगा जो कि वाइट होगा, और फाइल नेम भेजना पड़ेगा जो यहाँ सर ये रुक के लिए रुक इसका पीस है। रुक एक्चुअली ये उसकी इनहेरिटेड क्लास पहला पीस है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जैसा मैंने बी जीरो जीरो बनाया है, बिल्कुल इसी तरह बी जीरो सेवन भी होगा और वो भी एग्जैक्टली ऐसे होगा। द ओनली डिफरेंस विल बी कि यहां पे पोजीशन 0 0 से यहां पोजीशन जो क्या होगी जो सब कर बस एग्जैक्टली इन द वे आई विल गोइंग टू इनिशियलाइज ऑल माय पीसेस, बस ना, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सो ये समझ में आया बात, ये मेरा अंडरलाइन स्ट्रक्चर बन गया। क्या मुझे यहां पे डिस्प्ले होना शुरू हो गया? यस नहीं हुआ, नहीं सर अभी सिर्फ इनिशियलाइजेशन हुई है बैकएंड पे पॉइंटर्स की। तो एस बेसिकली मैं एक और कुछ बनाया, मैंने ग्रिड प्रिंट, और ये ग्रिड प्रिंट हम क्या करेंगे, ये है वॉइड ग्रिड प्रिंट, और ग्रिड प्रिंट में हम बेसिकली वो हमने वो 64 बॉक्सेस बनाने और वो वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक हो जाए बस नहीं, और हमने क्या करना है, और फिर हमने जो पीसेस फिर हम इसके अंदर मूव करेंगे और इनमें जो जो पीस पड़ा होगा उसके ड्रॉ कॉल करेंगे, ठीक है। और ड्रॉ कैसे कॉल होगा, उसको अपनी अपनी लोकेशन पता है, उसके लिए वो ड्रॉ कॉल करता है। अब ड्रॉ जो है बेसिकली क्या हो रहा है, अच्छा आप सुने बात गौर से मेरी बात, ड्रॉइंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉइंग करने के लिए हमें बेसिकली क्या करना है कि या तो हमने बेसिकली क्या करना है, हमने हर इमेज को बताना है कि तुम इस जगह पर, उससे वैसे बात अपने लोकेशन पता है, तो कैन ही गो डायरेक्टली टू द बॉक्स जहां पर वो खुद मौजूद है? यस कैन। हाउ? हमें काम करते हैं कि जो इसका ड्रॉ फंक्शन, इसके अंदर ना ये व्यू लेते हैं R dim और C dim। ये R dim C dim क्या है, ये इस बॉक्स की डायमेंशन है ना। अब बात सुनो, अगर कोई पीस है इसकी लोकेशन है फॉर एग्जांपल 2 3, ठीक है। अब एक बात, अच्छा अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूं R dim से, ठीक है, पहले हम 0 3 करते हैं। 0 3 का मतलब क्या है, वो अगर 0 को मल्टीप्लाई करे R dim से तो इधर जाएगा, और 3 को मल्टीप्लाई करे C dim से तो 3 कॉलम हो, तो वो 0 यहां पर है, 1 2 3 यहां पर है ना, वो अपने उस बॉक्स के इनिशियल कोऑर्डिनेट बन गया। अब इसके अकॉर्डिंगली वो अपनी इमेज को ड्रॉ कर सकता है, ठीक है। उसने आपने इमेज ड्रॉ खुद लिखा हुआ है वो भी हो सकता है, आप इसके हिसाब से कर सकते हैं। और वो जो मैंने अभी तस्वीर दिखाई ना, वो एक्चुअली एक लूप भी नहीं है उस तस्वीर की ड्राइंग में। ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए, ये है ना बेसिकली, अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने ये तस्वीर जो है इसको मैं करता हूँ फुल स्क्रीन, अगर मैं कहूँ कि ये मैंने ड्रॉ करनी है, तो इसको ड्रॉ करने का तरीका बड़ा सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, देखिए मैंने ये पॉन ड्रॉ करनी, तो पॉन ड्रॉ करने के लिए मैं सीधे क्या करूंगा, मुझे इसकी भुजाएं इस जगह जा सकता हूं, यस सर, ना कैसे, इसके जो भी कोऑर्डिनेट्स को मैं R dim से मल्टीप्लाई करूंगा और टू C dim से, फिर मैं उसमें प्लस R dim डिवाइडेड बाय 2 और प्लस C dim डिवाइड बाय 2 करूंगा, मैं यहां दरमियान में है ना। अब इस सेंटर के हिसाब से 3 स्टार यहां लगाओ, 3 स्टार यहां लगाओ, ऊपर जाओ 3 स्टार यहां लगाओ, 3 स्टार यहां लगाओ, फिर ऊपर जाओ 3 स्टार यहां लगाओ, 1 स्टार यहां लगाओ, ये हार्ड कोडेड है। और इसी तरह नीचे से भी आप आराम से शेप बना सकते हैं, ये अगर आपने स्टार्स से डिस्प्ले करना है। हाँ, अगर मैं कहूँ कि मैंने ग्राफिक जो लाइब्रेरी यूज करनी है, ऑल आई कैन डू इज मैं यहाँ पे लाइन फंक्शन कॉल करूँ, लाइन फंक्शन कॉल करूँ, लाइन फंक्शन कॉल करूँ, आप चाहे तो लाइन ना करना नहीं करना चाहते, आप जैसे बॉक्स वाला फंक्शन जो रेक्टेंगुलर ड्रॉइंग है वो फंक्शन कॉल कर लेंगे, और उस हिसाब से कोई दूसरी बात नहीं, ठीक है। जो जो भी करना चाहते हैं उसे सेंटर के हिसाब से जाएं, और उसके हिसाब से जितना भी सेंटर बनाना है और उसका कलर सेट कर दें, कौन सा कलर करना है, ये बात समझ रहे हैं, ठीक है। लोड करिए पिक्चर, आपने पिक्चर वो फंक्शन देखे हैं उसमें ग्राफिक लोड करने की लाइब्रेरी में इमेज कैसे लोड होता है, अगर वो हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ड्रॉइंग बुक कर लें, ठीक है, ये बात समझ रहे हैं, ठीक है। सो इट्स रियली इंटरेस्टिंग थिंग टू जो कि जो क्या मतलब मजा आया, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, आई रिकमेंड कि डोंट लोड इमेज,
फिजिकली ड्रॉ इट ताकि आपको थोड़ा सा ग्राफिकली कमांड हो सके, ठीक है ना। और इमेज लोडिंग वाला काम है ना वो मैं आपको शीशा में करवाऊँ, ठीक है, जब हम एक्चुअली फिजिकली उसमें मूवमेंट बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा इधर आते हैं। सो ड्रॉइंग वाला काम हो गया, ठीक है। अब सवाल ये है, ये नेट भी हो गया। अच्छा अब मैं आपको मजे पाता हूं, सुनो जी प्लीज वेरी अच्छा। इसी बोर्ड के अंदर मैं एक और फंक्शन बना रहा हूं जिसका नाम है प्ले। बाय द वे ये दोनों फंक्शन इनिट और ग्रिड ग्रिड प्रिंट ये कहां से कॉल होंगे? ये चेस बोर्ड के कंसेप्ट से कॉल होंगे। शाबाश। अब बेसिकली हमें क्या करना है, चेस बोर्ड अब हमारा मेन होगा ना वो इतना सा चेस बोर्ड, यानी चेस बोर्ड चेस लिखेंगे नाम और लिखेंगे चेस डॉट प्ले, दैट्स इट। एक दो लाइनों का टोटल हमारा फंक्शन हमारा मेन और डॉट प्ले फंक्शन लिखेंगे। प्ले इज द मेन फंक्शन जिसके अंदर तमाम काम, ठीक है। अच्छा अब हम प्ले फंक्शन लिखते हैं। अच्छा प्ले फंक्शन क्या करता है प्लीज बात सुनो, सोचिए बॉय। अच्छा जो प्ले फंक्शन बेसिकली इसका सारा काम ये क्या बाद में हमने इसमें टर्न डाल दिए और यहाँ पे सीज चार में काम। अब मैं मेन फ्लो लेता हूँ, एक बात याद रखिए जितनी भी गेम है, ठीक है। सो बेसिकली हम एक एक काम करते हैं। बाय द वे अभी तक हमारा जो हमारा हमारा ग्रिड प्रिंट हो गया है, हमारे ग्रिड प्रिंट होने के अलावा ये इसकी इनिशियलाइजेशन हो गई है, पीसेस डिस्प्ले हो गए, पीसेस डिस्प्ले नहीं। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ डिस्प्ले ऑल पीसेस, ठीक है। और ये मेरा फंक्शन है डिस्को जो बारी बारी इसका क्या करेगा, दो मैसेज लूप में जाएगा और हर एक के ऊपर जाके अगर वहां पे नल नहीं है तो क्या करेगा उसका ड्रॉ कॉल कर देगा और वो उसके रिस्पोंडिंग अपनी तस्वीर वहां पे ड्रॉ करेगा। अच्छा अब मजे की बात, अब हम करेंगे क्या, अब मुझे बेसिकली बताना है किसकी बात, ठीक है ना। तो बेसिक मुझे भाई जी जो विंडो में बनाया था यहाँ पर मैसेज आ रहा है वाइट स्टार सब से रहता है, ठीक है ना। एक ब्लॉक बना आ जाए व्हाइट कलर का लिखा हुआ आ जाए ये किसकी बारी है, इसमें ब्लैक लिखा हुआ ब्लैक की बारी है, रेड और सॉरी व्हाइट और व्हाइट की बारी, ठीक है। कोशिश करें कि हमारी स्क्रीन बाय डिफॉल्ट ब्लैक होती है तो इनको ना ग्रे से करते हैं, एक ग्रे और एक व्हाइट करते हैं, ठीक है। तो ग्रे की टर्न है इसकी भी वो बारी बारी यहाँ पर, ठीक है। हम एक काम करते हैं यार बात सुनिए प्लीज। बाय द वे ये हमारी जो ग्राफिक्स डिज़ाइनर लाइब्रेरी है इसके अंदर एक माउस का फंक्शन दिया, आप जिस पे क्लिक करें ना वो उसको कोऑर्डिनेट दे देता है, ठीक है। हम उसी को यूज करेंगे, ठीक है। इससे होगा कि हमारी जो चीजें हैं वो बहुत सिंपलीफाई है। वो यार इनपुट देते ना फलाने रो नंबर टू फलाने फलाने टू टू थ्री फोर यू इट विल वेस्ट योर एनर्जी एंड आई मीन इट विल कंज्यूम यू। इसका फायदा यह है कि एक एक आपने क्या किया क्लिक करना है क्लिक करना है, इतनी तेजी से गेम चल रही है यू विल रियली एंजॉय, ठीक है। आगे चलते हैं, हम कहते हैं डिस्प्ले प्लीज। अब बेसिकली हमें करना क्या, प्लेयर मैसेज देना। प्लेयर मैसेज का मतलब क्या, इसको हम बेसिकली भेजते क्या, हम कलर्स का टर्म है ये भी क्यों बोलते ताकि अगर वाइट होगा पास हुआ होगा तो यहाँ पर ये वाइट बॉक्स दिखा देगा अगर ब्लैक और अगर ब्लैक पास हुआ होगा तो यहाँ पर ये ब्लैक बॉक्स दिखा देगा या ग्रे जो भी आप दिखा बस ना ये किसी बात। अच्छा अब हम क्या करते हैं ये हमने मैसेज दिखा दिया उसके बाद क्या जी उसके बाद हम बेटा अगला काम करते हैं, करते हैं उससे एक्चुअली मूवमेंट करवाते हैं। सो प्लेयर मूव में बेसिकली क्या हो रहा होगा, अब मैं यहाँ पे ना एक पोजीशन बनाता हूँ इसका नाम रखता हूँ एस और एक रखता हूँ ये मैंने एस और ई बना एस इज फॉर जो मैंने स्टार्टिंग पोजीशन सेलेक्ट की है पीस की और एस E is जो मैंने ending position बस मैं so basically player move जो है उसमें पता क्या होता है मैं इसमें S में सबसे पहले start कौन सा मेरा starting piece है वो मुझे select करना। अच्छा यहाँ पे लिखा हूँ मैं do और यहाँ लिखा हूँ मैं चाहिए मैंने do कर दिया basically होना तो simple था ये चाहिए था इसमें ना C in करवा दें क्या S dot R
और एस डॉट सी पी, ठीक है ना। लेकिन मसला भला क्या है, मसला ये है कि ये जो एस डॉट, वो जब माउस पे क्लिक करता है ना, तो वो माउस पे जब क्लिक करेगा ना यहाँ पर, तो ये कोई कोऑर्डिनेट आएगा, फॉर एग्जांपल लेट्स से 89 70। अब ये तो कोई है ही नहीं, है ना। तो बेसिकली उसमें छोटा सा बग होगा, और बग कैसे होगा कि आप उसको ऐसे रिमूव करेंगे कि जो माउस क्लिक हमें रिटर्न करता है ना कोऑर्डिनेट एक्स वाई के, एक्स वाई होगा उसको हम रो वाला में कन्वर्ट कर देंगे, और जो जो रो आएगी ना उसको मैं डिवाइडेड बाय आर डिम कर दूंगा, और सी को मैं डिवाइडेड बाय सी डिम कर दूंगा, तो मुझे एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट आ जाएगा एस डॉट आर का और एस डॉट सी का, ठीक है। तो बेसिकली हमें सिर्फ एक एक लाइन लिखी है आपसे डिवाइड कर, ठीक है। तो प्लेयर मूव में बेसिकली माउस क्लिक करता है, जहां क्लिक करता है उसके उसको आर डिम से और सी डिम से डिवाइड करता है, और ये एस डॉट आर और एस डॉट सी को वैल्यू चाहिए, बस में वैल्यू गैप है। मुझे बेसिकली चेक करना है कि ये जो कोऑर्डिनेट आए हैं ये वैलिड हैं या नहीं, तो जहां यहां पर बाउंड्री चेक भी लगेगा, तुम कह रहे थे कि बाउंड्री चेक का मतलब क्या कि वो कहीं माइनस होना भी कर दे, या वो आर की वैल्यू जो 8 से ज्यादा ना हो, आर सी की वैल्यू 8 से ज्यादा ना हो, यानी माउस को यहां पर क्लिक करने तो वो 9 आ जाएगा या 10 आ जाएगा, और दूसरी बात ये यहाँ पे लिखते हैं इज वैलिड सिलेक्शन, ठीक है। इसका प्लेयर मूव की जगह ना लिख देते हैं सेलेक्ट पोजीशन। मैं सेलेक्ट पोजीशन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी दोबारा